हेलो एंड वेलकम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पॉपुलर ओडिया डेजर्ट की रेसिपी विच इज कॉल्ड छेना पोड़ो। परफेक्ट गोल्डन ब्राउन क्रस्ट आउटसाइड एंड सॉफ्ट एंड जूसी इनसाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। छेना बनाने के लिए एक हेवी बॉटम पैन पर 2 लीटर होल मिल्क लीजिए और उसे मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म कीजिए जब तक उस पर एक उबाल ना आ जाए। बीच बीच में उसे चलाते रहिए। लगभग 15 मिनट के बाद मिल्क बॉयल होने लगती है, फिर गैस की फ्लेम को सिम कर दीजिए और उसे 2 से 3 मिनट और पकाइए। ये परफेक्ट टेम्परेचर है छेना बनाने के लिए। फिर अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस फ्रेशली स्क्वीज्ड, उसे ऐड करके अच्छे से मिलाइए जब तक मिल्क कर्डल होने लगे। एक बार मिल्क कर्डल होने लगे गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए और उसे बॉयल कीजिए जब तक ये छेना वाटर एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर ना हो जाए, लगभग 2 से 3 मिनट। अब ये बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हो गया। अब गैस की फ्लेम को स्विच ऑफ कर दीजिए और इसे गैस पर से उतार दीजिए। इसे तुरंत स्ट्रेन कर दीजिए यूजिंग ए स्ट्रेनर और चीज क्लॉथ। इसे स्क्वीज नहीं करना है पनीर की तरह, इसे बस स्ट्रेन करना है क्योंकि हमें इसमें मॉइस्चर चाहिए। छेना पोड़ो उसी से ही सॉफ्ट बनता है। अब ये छेना वाटर को साइड में रखिए, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं। इससे आप पूरी पराठा या रोटी भी बना सकते हैं। परफेक्ट सॉफ्ट छेना बन गया है। अब इसे बिग मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और स्पैचुला की सहायता से उसे थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए। अब इसमें 1/4 कप सूजी रावा यानी कि सेमोलिना, उसे ऐड कीजिए और मिला लीजिए। क्योंकि अभी छेना थोड़ा गर्म है तो सूजी अच्छे से फूलता है। ये सबको 2 से 3 मिनट तक मिला लीजिए। पाउडर शुगर 1/2 कप, छेना वाटर 1/2 कप, लेकिन उसे 2 टेबलस्पून एट ए टाइम ऐसे ग्रेजुअली ऐड कीजिए। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मिक्सचर में सूजी है उसे मॉइस्चर चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए और ये छेना वाटर ही मॉइस्चर है। मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप अपने हल्के हाथों से इसे थोड़ा मैश करते हुए मिलाइए 4 से 5 मिनट तक। इसे नीड नहीं करना है। ऐसी ग्रेनी मिक्सचर चाहिए, उससे छेना पोड़ो में अच्छा टेक्स्चर आता है। अब इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर यानी कि 3 से 4 इलायची को कूट के पाउडर कर लेना है। अब ये सबको अच्छे से मिला लेना है और 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करना है। 15 मिनट के बाद सारे वाटर एब्जॉर्ब हो गए हैं तो अब यहाँ पे हम 2 से 3 टेबलस्पून और छेना वाटर यूज़ करेंगे और एकदम ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। टोटल यहाँ पे 1/2 कप छेना वाटर यूज़ हुआ है। अगर आपको चाहिए तो इस पॉइंट पे आप इसमें चॉइस के हिसाब से ड्राई नट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कैश्यू, पिस्ताशियो और रेजिन्स। इसे ऐसे ही प्रिफर करती हूँ। अगर आप इसे गैस पर बेक कर रहे हैं तो ऐसे स्टील की कोई हाइट वाला बर्तन यूज़ कर सकते हैं या फिर टिफ़िन बॉक्स, या फिर अगर आपके पास केक टिन है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6x3 इंच का एक बेकिंग डिश यूज़ कर रही हूँ जिसके लिए हम पार्चमेंट पेपर काट के रेडी करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। अब इसे हम देसी घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हाइट एंड बॉटम एवरीवेयर। फिर पार्चमेंट पेपर लगा के फिर उसके ऊपर भी हम ग्रीस कर लेंगे क्योंकि हम इसमें शुगर डाल रहे हैं और शुगर कैरामलाइज होने के बाद स्टिकी हो जाता है। आप इसे अच्छे से ग्रीस कीजिए, फिर इसमें बैटर को डालिए और उसे स्मूथ आउट कर लीजिए ताकि टॉप एकदम इवन लगे। आप इसे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट और 180 डिग्री सेल्सियस ओवन पर बेक कर सकते हैं 40 मिनट से लेके 1 आवर तक, जब तक टॉप एकदम गोल्डन ना हो जाए। आज हम इसे स्टोव पर बेक करेंगे तो उसके लिए आप एक हेवी बॉटम पैन लीजिए और उसे मीडियम हाई हीट पर गर्म कीजिए। उसके ऊपर सॉल्ट की एक इवन लेयर लगा दीजिए और आपके पास ऐसे कोई रिंग और स्टैंड हो तो उसे मिडिल में रखिए। अगर नहीं है तो एक कटोरा को उल्टा करके रख सकते हैं। उसके बाद कवर करके इसे प्री हीट कीजिए 10 मिनट। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से प्री हीट हो गया है। अब बैटर को सेंटर स्टैंड के ऊपर रखिए और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर बेक कीजिए जब तक इसकी टॉप कलर चेंज हो के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप ग्रेजुअली देख सकते हैं कैसे कलर धीरे धीरे चेंज होके आपको जैसे रिक्वायर्ड कलर है वैसा आ जाएगा। 1 आवर 15 मिनट्स के बाद ये परफेक्ट गोल्डन हो गया है ऑन द टॉप और एक टूथपिक इंसर्ट करके देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है। अब गैस को स्विच ऑफ कर दीजिए और इसे स्टोव के ऊपर ही 10 मिनट तक रेस्ट करने दीजिए कवर करके। 10 मिनट के बाद छेना पोड़ो को निकाल के
बाहर ठंडा होने दीजिए आधा घंटे तक। I know we have been waiting long, but सब्र का फल तो मीठा ही होता है। आधा घंटे के बाद एक नाइफ चलाते हुए किनारों से आप इसे एक प्लेट के ऊपर डीमोल्ड कीजिए। देखिए कितनी आसानी से हमारी सुंदर सी छेना पोड़ो बनके रेडी हो गया। क्रस्ट एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आया है और ये कितनी सॉफ्ट एंड जूसी बना है। ओवन पे बेक कीजिए या फिर स्टोव पे बेक कीजिए, लेकिन बनाइए जरूर। और आपको कैसा लगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिए। लुक एट द टेक्सचर, लग रही है ना मार्केट जैसी। डिलीशियस एंड डिवाइन, गेट्स ओवर इन नो टाइम। दिस इज वन ऑफ माई वेरी फेवरेट स्वीट एंड आई होप दिस बिकम्स योर फेवरेट टू। अब जल्दी से बनाइए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चीयर्स।